युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में निर्णायक मंडल द्वारा पक्षपात और धांधली का आरोप लगाते हुए लोक गायक बृजेश विश्वकर्मा और अवंतिका दुबे ने मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। लोक गायिका अवंतिका दुबे ने बताया कि विगत 27 अक्टूबर को युवा कल्याण विभाग कार्यालय निकट राप्ती नगर स्पोर्ट्स कॉलेज पर युवा उत्सव में लोक गीत की प्रतियोगिता कराई गई थी। इसमें पूरी टीम के साथ हम लोगों ने प्रतिभाग किया था। उन्होंने कहा कि लगातार 3 वर्षों से टीम प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही है, लेकिन हर वर्ष एक ही निर्णायक मंडल को बुलाया जाता है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी के सदस्य राकेश श्रीवास्तव व हरिप्रसाद सिंह एवं मानवेंद्र त्रिपाठी शामिल रहते हैं। जो लोग राकेश श्रीवास्तव की इर्द गिर्द घूमते हैं तथा उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको बड़ी आसानी से इस मंच पर दिखाया जाता है। उन्होंने बताया कि धांधली के खिलाफ हम लोगों ने युवा कल्याण अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, आयोग, एसएसपी सहित जिले के तमाम अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लोक गायक बृजेश विश्वकर्मा और लोक गायिका अवंतिका दुबे ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी के वनवास हो गए, उसके बाद राजा दशरथ जी कलकई से काम करते कोना भाव में विश्वकर्मा लोक गायक। गोरखपुर में आयोजित होने वाले कोई भी सरकारी कार्यक्रम और प्रतियोगिता में खुलेआम धांधली, मनमानी और पक्षपात के विषय में मेरा वार्ता है। निर्णायक मंडल के द्वारा हर एक प्रतियोगिता में जहां भी संगीत नाटक अकादमी के सदस्य श्री राकेश श्रीवास्तव और साथ में हरिप्रसाद सिंह, मानवेंद्र त्रिपाठी जी, ये लोग एक साथ में जजमेंट के लिए गए हुए थे प्रतियोगिता में, और वहाँ पे नियमों का ना ध्यान देते हुए जिस टीम को उन्होंने प्रथम स्थान दिया है, उस टीम में कई कमियाँ थी। उस टीम ने नियमों का उल्लंघन भी किया था, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए उस टीम को प्रथम स्थान दिया और हमारी टीम ने हर एक नियमों का पालन करते हुए अपनी प्रस्तुति अच्छी भी दी। उसके बावजूद मेरी टीम को दूसरा स्थान दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन कर रहा हूँ कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करें और जांच करने के बाद जो भी दोषी पाया जाता है उस पर उचित कार्यवाही करें। श्री को जो होती है उसको अधिकार होता है ना सही गलत करने, किस आधार पे आप कह रहे हैं? अरे बोलिए ना जी। उस टीम में कार्यक्रम का जो नियम था, नियम में 15 से 29 वर्ष के जो कलाकार थे वही प्रतिभाग कर सकते थे, लेकिन जिस टीम को निर्णायक मंडल ने प्रथम स्थान दिया उस टीम में 3 कलाकार ऐसे थे जिनकी उम्र 30 वर्ष से भी ज़्यादा था, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए भी
उन लोगों ने उसी टीम को प्रथम स्थान दिया। लोकगीत का एक और नियम होता है, लोकगीत में निर्णायक मंडल के द्वारा साफ साफ कहा जा रहा है कि लोकगीत में एक ही लीडर होता है, लेकिन उस टीम में दो लीडर एक साथ प्रस्तुति दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसी टीम को प्रथम स्थान दिया गया। नाम मेरा सृष्टि दुबे है, अवंतिका दुबे सृष्टि है सर, और ये मैं ये चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री तक मेरी बात जाए और वो जो गोरखपुर में सर धांधली चल रही है उस धांधली को रुकवाएं, क्योंकि कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, चाहे चौरी चौरा महोत्सव हुआ है, चाहे गोरखपुर महोत्सव हुआ है, अभी माननीय राष्ट्रपति जी भी आए थे वहाँ पे भी हम लोग का प्रोग्राम काट दिया गया है सर। कोई भी सरकारी प्रोग्राम आ रहा है, कृषि मेला चल रहा है सर, दीप उत्सव भी चल रहा है, खाली गोरखपुर में एक ही कलाकार है सर कि हर मंच पे खाली वही जा सकता है जो राकेश श्रीवास्तव सर के प्रिय हैं, और कोई नहीं जा सकता है सर। तो हम यही चाहते हैं कि ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक जाए और जो बन सके उनसे हम युवाओं के लिए वो कार्यवाही करें सर। सर 27 तारीख को युवा कल्याण विभाग में कंपटीशन हुआ था जिसमें निर्णायक मंडल द्वारा सीधे सीधे पक्षपात किया गया है, और हम ये चाहते हैं कि सर ये जांच करने के बाद उचित कार्यवाही की जाए। और पक्षपात में संगीत नाटक अकादमी के सदस्य राकेश श्रीवास्तव, हरि प्रसाद और ये मानवेंद्र त्रिपाठी सर जो गए थे जस पे गए थे ये लोग, और जिस टीम में सर पूरा फॉल्ट था, जिसमें एज का भी बाउंडेशन होता है कि खाली इस पर 15 से 29 वर्ष के लोग ही खाली प्रतिभाग कर सकते हैं, लेकिन उस टीम में सर तीन लोग जो थे 30, 31, 32 के थे, और सर टीम में सर एक टीम में खाली 10 लोग ही कर रह सकते हैं, उस टीम में 9 लोग थे, ये सर दूसरा फॉल्ट। और तीसरा फॉल्ट ये है सर कि टीम में खाली एक लोग लीड कर सकते हैं, लेकिन टीम उस टीम में सर 2 लोग लीड किए थे, जबकि निर्णायक मंडल द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि ग्रुप लीडर एक होता है, ग्रुप लीडर एक होता है, और सर उन लोग को ये भी बताया था कि टीम में 30 वर्ष से भी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उन्होंने उस टीम को पहला स्थान दिया और मंडल भी खिलाया सर। उसी दिन से सर हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ये पहले जांच की जाए, फिर ये कंपटीशन आगे बढ़ाया जाए, जिसका पत्र हमने DM साहब को, फिर आयुक्त जो है उनको, फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उनको भी दिए हैं, फिर ये विकास क्या कहते हैं विकास भवन पे भी दिए हैं, फिर युवा कल्याण अधिकारी संजय सिंह को भी दिया। जब संजय सिंह के पास सर हम लोग गए हैं इसकी बात करने के लिए, तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया है कि हम जांच नहीं करवाएंगे, तुम लोग को जो भी करना है तुम लोग कर सकते हो। ये 27 तारीख को कंपटीशन हुआ था, 27 तारीख से ही हम लोग दौड़ भाग कर रहे हैं सर। 3 साल से ही हम लोग को ये बाइकॉट कर दे रहे हैं सर। 3 साल से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कंपटीशन में हम लोग मतलब जितना हो सके उतना अच्छा परफॉर्मेंस दें, और हम लोग का पहला स्थान आए सर। अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी ये बार बार सेकेंड कर दे रहे हैं सर कि हम लोग की टीम नेशनल ना जाए। सर हम ये चाहते हैं कि पहले जो कार्य ये हुआ है कंपटीशन, इसकी पूरी तरीके से जांच कर ली जाए सर, जो दोषी पाया जाता है उसको मतलब उचित से उचित उसके ऊपर कार्यवाही की जाए सर, यही मेरा निवेदन है।